तो भाई अगेन न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस हम लोग जगेश्वर धाम महाराज जी के यहाँ से चल दिए हैं और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो गोलू देवता मंदिर। और गाइस गोलू देवता मंदिर और जगेश्वर धाम के बीच की दूरी वो करीब 90 किलोमीटर मैप बता रहा है, तो लोकेशन हम लगा चुके हैं मैप पे। तो गाइस अब जाएंगे गोलू मंदिर। तो गाइस हम जो निकले हैं तो अभी टाइम मैं बताऊँ तो टाइम हो रहा है करीब 3:30 हो रहे हैं शाम के, तो 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो गाइस पहुँचते पहुँचते बिल्कुल शाम हो जाएगी, 7 बज जाएंगे, तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आएगी, तब भी मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा। भाई यहाँ का व्यू एक नंबर। और भाई यहाँ पे जो पहाड़ी लोग रहते हैं तो खेती करते हैं भाई, सीढ़ीदार जो खाई उनमें सीढ़ीदार उन्होंने जगह बना रखी है उसी पर ही खेती करते हैं। और गाइस काफ़ी रोड यहाँ का सही है, सिंगल लेन रोड है, अगर कोई दूसरी गाड़ी भी आती तो भाई गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, दूसरी गाड़ी को जगह दी जाती तब गाड़ी निकल पाती है। तो रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, है ना, ज़्यादा बड़े वाहन आप नहीं ले जा सकते, ट्रक वगैरह तो इस रोड से बिल्कुल ही बंद है। और भाई एकदम सुकून वाली जगह है, एकदम ठंडी जगह है। भाई अपने यूपी में क्या है भाई, गर्मी बहुत पड़ती है। भाई अगर आप इस जगह जाओगे उत्तराखंड, है ना, जगेश्वर धाम टेम्पल से गोलू देवता मंदिर की तरफ जाओगे तो भाई बहुत ही शांति है, रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है अभी, है ना। अभी मैं गया था 2 दिन पहले तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। अगर आप कैंची धाम जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। तो गाइस जल्दी कैंची धाम का ही ब्लॉग मैं आपको ला दूंगा फटाफट, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं भाई सामने मकान है ना, तो बिल्कुल पहाड़ काट के भाई पूरा मकान बना रखा है। और भाई ये जो रोड है भाई एकदम बढ़िया स्मूथ रोड है, भाई पूरा डायरेक्शन भी दे रखी है इसमें, है ना, किस साइड जाना आपको। और भाई जो नल लगे ना भाई बहुत ही ठंडा पानी आता है इसमें, और भाई नल में जो पानी आता है ना एक पाइपलाइन गई होती है उसमें ये कनेक्ट होता है। और अगर ये देख सकते मेरे सामने एम्बुलेंस है ना, तो भाई रोकनी पड़ेगी कार तो एम्बुलेंस को रास्ता दे गया। तो भाई इतनी कम चौड़ी यहाँ पे रास्ता है, अगर कोई दूसरी वाहन निकलता भी है तो उसे यहाँ पे रोक के साइड दी जाती है। और भाई चारों तरफ घने जंगल ही जंगल है ना भाई, नीचे इतने नीचे है ना, तो अभी हम इतनी ऊँचाई होगी करीब मतलब 1000 मीटर से भी ऊपर है अभी, है ना, समुद्र तल से। भाई एक लेवल दे रखा होता है, एक बोर्ड आया था मैंने पढ़ा था उस पर लिखा था समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर, मतलब 1000 मीटर मतलब 1-2 मीटर हो गया ऊपर। और गाइस वैसे आप यहाँ जाने के लिए भाई कैब भी नैनीताल से बुक होती तो वहाँ से भी कैब करके आप जा सकते हैं, तो कैब का चार्ज ज़्यादा है ना। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप आराम से जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। और भाई गाड़ी की कंडीशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, है ना, और वेल मेंटेन होनी चाहिए गाड़ी, और अदरवाइज गाड़ी हीट कर गई तो भाई दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है, है ना, जो आपकी गाड़ी संभाल सके। भाई अगर किलोमीटर अगर पेट्रोल पंप ही जाना है ना तो आपको कम से कम 10, 12 या 20 किलोमीटर तक आपको जाना पड़ सकता है दूर, इतनी दूर दूर पेट्रोल पंप है। और भाई अभी मैं जिस जगह आया हूँ तो भाई अभी नाम उसका नहीं दिखा रहा नेट पर, और भाई सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है,
तो नेटवर्क भी यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा था मेरे में, और भाई नेट प्रॉपर यहाँ पे बंद हो गया था है ना। तो GPS लगा के हम लोग यहाँ पे गए थे। हाँ गाइस, शाम होने वाली, तो ये आप सूरत देख सकते हैं भाई। यहाँ पे मौसम को कोई पता नहीं रहता भाई, अभी धूप है, एक घंटे बाद छाया हो जाए, कब बारिश हो जाए है ना। और भाई अभी मौसम साफ दिख रहा है आपको है ना, थोड़ी देर बाद भाई बादल छा जाते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भाई बादल भी छा जाते हैं शाम के टाइम यहाँ पे। तो भाई पूरे यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ना, तो वो रोड पे ही बने हुए हैं, जो सिंगल रोड गया तो रोड पे ही ये मकान बने हुए हैं साइड से है ना। और बाकी भाई पूरा ही एरिया भाई पहाड़ों वाला ही है ना। और भाई यहाँ पे पेड़ पौधे हैं भाई, गाड़ी है ना घर के ऊपर ही पार्क कर रखी है हमने, छत तो थोड़े नीचे होते हैं तो छत बिल्कुल रोड के बराबर में होती है, तो भाई गाड़ी है ना उसी के ऊपर पार्क करते हैं ये लोग। और भाई मेरे आप सामने देख रहे हैं भाई, और जो रोड है ना घूम घूम के जाता है, घूम घूम के रोड है भाई पहाड़ों का। तो गाइस फाइनली हम गोलू देवता जी के मंदिर आ चुके हैं है ना। तो यहाँ से करीब होगा आधा किलोमीटर होगा, तो हम पहुँचने वाले हैं वहीं पे अभी है ना। तो वहाँ पे रुक के आपको पूरा मैं गोलू देवता मंदिर दिखाऊंगा। भाई मैं जा रहा था कैची धाम, तो वहाँ पे रास्ते में पड़ता है गोलू महाराज जी का मंदिर है ना। तो गाइस मंदिर खुला हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो गाइस गाड़ी यहीं पे रोक ली है ना, और मंदिर है ऊपर, तो गाइस वहीं पे चलते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस ये आप देख सकते हैं है ना, जय हो गोलू महाराज। सीढ़ियाँ हैं बहुत, तो सीढ़ियों से जा रहा हूँ। बहुत बड़ा भाई घंटा। ये तो जा ये तो बजा ही लें। जय हो। चले कहाँ चढ़ेगा प्रसाद, ये रहा मंदिर। कार में रखा है। नीचे सिर करके यू घंटे लग जाएंगे वरना सिर पे। भाई बहुत सारे घंटे लगे हैं भाई, पर्चिये भी लगे हैं।
क्या हुआ? तो गाइस गोलू मंदिर में प्रार्थना कर चुके हैं भाई, जा रहे हैं कार के पास में, भाई सीधे निकलेंगे कैची धाम। भाई चारों तरफ घंटे ही घंटे हैं भाई, काफी बड़े साइज के भी हैं, काफी छोटे भी हैं, है ना। फूल देख नीचे खेल भाई, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फूल हैं नीले कलर के। भाई वापस जा रहे हैं कार के पास में, तो भाई यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। और गाइस यहाँ पे देखो भाई कितने सारे घंटे टंगे हुए हैं ये रहे, और भाई इस साइड तो आप देखो ना बहुत सारे घंटे टंगे हुए हैं। बंद होने का टाइम है मंदिर का। तो गाइस आज के लिए इतना ही है ना, कल फिर से पार्ट थर्ड आने वाला है ना। ये पार्ट सेकंड था, और पार्ट थर्ड में जल्दी आपको लेकर आऊँगा और जाऊँगा कैची धाम। गाइस आज तो शाम होगी, तो आज होटल पे रेस्ट करना पड़ेगा, कल सुबह भाई नहा धो के फ्रेश होके कैची धाम पहुँच जाएंगे। तो गाइस कल गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में। पसे आ गए हैं अपनी कार के पास में और जा रहे हैं भाई कैची धाम, तो रात को वहीं पे स्टे करना पड़ेगा, और सुबह दिखाते हैं आपको कैची धाम का व्यू।